बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ अपने बालों का राज। इस वीडियो में आपको एक ही चीज़ जो भी बताऊँगी, हेयर ऑयल है, मास्क, उसके साथ साथ मैं उसके बेनिफिट्स बताती जाऊँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें हेयर ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए एक पैन, और हमें फ्लेम को ऑन कर लेना है। और अब इसमें हम डालेंगे कोकोनट ऑयल। मैं यहाँ पैराशूट का कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब ये कोकोनट ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे कलौंजी। हम डालें इसमें और ये थोड़ा सा पक जाए और हम इसके फ्लेम को ऑफ कर देंगे ताकि ये जल ना जाए। और ऑफ करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे मीठी नीम। इस तरह हमने ये डंडियों को निकाल लेना है, इन पत्तों को वॉश करके ड्राई कर लेना है। उसके बाद हमें इस ऑयल में डाल देना है। आप इसमें मीठी नीम के पत्ते का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो और डायरेक्ट मीठी नीम भी यूज़ कर सकते हो। और अब इस तेल को अच्छे से ठंडा होने दीजिए और इसके बाद इसे छानकर स्ट्रेन करके आप एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तेल का कलर कुछ इस तरह होगा। हेयर ऑयल के बाद हम आपको बताएंगे हेयर टोनर बनाना। हेयर टोनर को शैम्पू के बाद यूज़ करना रहता है और उससे अपने बालों को कंडीशनर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाल बहुत सिल्की, सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हो जाते हैं। तो जी, हेयर टोनर बनाने के लिए हम लेंगे एक बर्तन जिसमें हम ऐड करेंगे वाटर, और वाटर बहुत अच्छी तरीके से उबल जाना चाहिए। और उसमें हम ये डालेंगे कलौंजी और मीठी नीम, दोनों को डाल के काफ़ी देर उसे बॉयल होने देंगे। बॉयल होने के बाद उसका पानी जो है वो काफ़ी आधा हो जाना चाहिए। आधा हो जाएगा तो उसे हम छान लेंगे और वो पानी को अलग करके रख देंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसे एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और आप उसे शैम्पू करने के बाद अपने बालों में यूज़ कर लो। आप इसे बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं कम से कम 15 दिन के लिए, और फिर जब भी आप हेयर वॉश करते हैं आप ये यूज़ कर लीजिए। हेयर टोनर बहुत ही कमाल की चीज़ है। हेयर टोनर यूज़ करना चाहिए और ठंडा यूज़ करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, इसीलिए आप इसे बनाकर ठंडा होने के बाद फ्रीज में रख दीजिए और एकदम ठंडा होकर आप अपने बालों में डिप कर लीजिए। जब तक ये बॉयल हो रहा था तब तक मैंने एक ड्रिंक बना ली, जो कि मैं जब ऐसा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, रोज़ तो कोई नहीं कर पाता यार, मैं भी नहीं कर पाती हूँ, तो पर लेकिन आप अगर रोज़ करेंगे ये तो आपके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेंथ देता है, हमारे बालों की क्वालिटी अच्छा करता है और हमारे बालों में जान आ जाती है। ये ड्रिंक हर रात को बनाई जाएगी और मॉर्निंग में उतने साथ खाली पेट पीने नहीं है। ये ड्रिंक बनाने के लिए आपको चाहिए पानी, पानी तो चाहिए तब तक ड्रिंक बनेगी। ये हमारी स्किन को अंदर से ग्लो देता है, अंदर से। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए हमें एक चाहिए कंटेनर, कंटेनर में कैप होना चाहिए, बात ध्यान रखना। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे डब्बे में बनाकर लॉक करके रखिएगा। एक ग्लास पानी लेंगे और कुछ करी पत्ते लेंगे, और आप चाहे तो इसे बॉईल करके तुरंत भी पी सकते हैं और रात भर के लिए रख लीजिए मीठी नीम डालकर और सुबह पी लीजिए। कुछ नहीं है, सिर्फ मीठी नीम और पानी और कुछ भी। मीठी नीम में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और विटामिन होते हैं, इससे पीने से और लगाने से स्किन बहुत अच्छी होगी और बाल भी बहुत सुंदर और अच्छे लगेंगे और अंदर से मजबूती मिलेगी आपके बालों को। हेयर फॉल भी कम होंगे, स्किन के रिंकल्स भी सारे चले जाने, आपकी सारी जवानी वापस आ जाए, आपकी स्किन टाइट हो जाती है। ये बॉयल हो रहा है, पानी हाफ होने तक उबल लेंगे। इस टोनर को स्ट्रेन करके फ्रीजर में रख लेंगे और ठंडे पानी से शैम्पू के बाद बालों में इस पानी से वॉश कर लेंगे। जो ऑयल हमने बताया उसे शैम्पू के पहले यूज़ करना है, और ये जो टोनर हमने बताया वो शैम्पू के बाद यूज़ होगा। मास्क बनाने टाइम कैमरा ऑन करना भूल गई थी, सॉरी जी। मैं आप लोग को मास्क की रेसिपी बता देती हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए फिर आप बना लीजिएगा। जब हमने ऑयल बनाया तो कलौंजी और जो मीठी नीम थी हमारी निकली
उसको हमने एक जार में डाल दिया और ग्राइंड करने वक्त उसमें हमने डाल दिया दही, कर्ड, योगर्ट, जो आप बोलो, और उसको ऐड करके इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया और ये हो गया हमारा मास्क रेडी। और अब आप इसे अपने बालों में लगा लीजिए। अगर आप इसे स्ट्रेन करके यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अगर आप इसे एवें यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, आप इसे मिल्क के साथ भी मिक्स करके ग्राइंड कर सकते हैं और आप इसे कर्ड के साथ मिक्स करके ग्राइंड कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को हेयर सीरम बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत कमाल का हेयर सीरम है। इसे आप स्ट्रेटनर जब अपने बालों में हीट यूज़ करते हैं, ड्रायर, स्ट्रेटनर, वॉट एवर, उसके पहले यूज़ करें और शैम्पू करने के बाद तो ज़रूर 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 यूज़ करें। उसके बाद स्ट्रेटनिंग करवा कर ख़राब हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, रफ़ हो गए हैं, स्प्लिट एंड्स दिखने लग रहे हैं, तो वो तो ये ज़रूर यूज़ करें। जैसे कि रूखे रूखे बेजान बाल लगते हैं वो सब इससे ठीक हो जाएंगे। ये सीरम बहुत ही अच्छा सीरम है। इसे बनाने के लिए हमें मीठे नीम वाला वाटर लेना है, जो हमने बॉयल किया था उसका थोड़ा आधा हुआ वो ले सकते हो, थोड़ा सा वाटर इधर रख लीजिए। मैं यहाँ हमदर्द का बादाम तेल ले रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप बादाम तेल यूज़ नहीं करते हैं तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे हमदर्द का बादाम तेल यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करके एक कंटेनर में डाल के 10 से 15 दिन के लिए स्टोर कर लें और यूज़ करते रहिए। 15 दिन के बाद इसे आप फेंक दें, फिर से बना लीजिए। प्रोसेस बताती हूँ, अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। प्रोसेस ये है, ऑयल के बाद स्टीम लेंगे, करके ब्रेड्स डाल के रात भर ऑयल लगे रहने देंगे। ये पैक हम सुबह लगाएंगे, रात को बनाई थी वही ड्रिंक है। थोड़ा सा टेस्ट कड़वा है पर हमें ग्लोइंग स्किन और हेल्दी हेयर चाहिए तो हम तो कड़वा भी पी लेंगे। अब हम वॉशरूम में मास्क लगा लेंगे ताकि गंदगी ना हो कहीं, और सिर्फ लिक्विड होना चाहिए, उसका सारा कचरा निकाल लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लगाएंगे तो भी अच्छा है बट कचरा आपके बालों में फंस जाएगा, मतलब मीठी नीम और कलौंजी थोड़ा सा आपके बालों में चिपक जाए। फिर 15 मिनट बाद वॉश कर लेंगे और 15 मिनट के बाद आप फिर हेयर सीरम बना लो। दस दसो जी, और क्या चाहिए। बस थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।